चल सम फिगर ज्योमेट्रिक फिगर हैविंग मैनी साइड्स। पॉलीगन क्या है? ज्योमेट्रिक फिगर हैविंग मैनी साइड्स। ठीक है, पॉलीगन इज ज्योमेट्रिक फिगर विद मैनी साइड्स। और इसका एग्जांपल है जैसे कि पेंटागन, ठीक है, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ऐसे हो सकता है। तो आपके बुक में एक पेंटागन दिया हुआ है, जरा देखें इस तरीके से 1 2 3 4 5 ऐसे दिया है। सो ए बी सी डी ई, और हमको इसका एरिया चाहिए। अब हम इसमें इन्हीं भी दो साइड्स को ऐसे मिला लेंगे तो एक ट्रायंगल तो ये बन गया। अब इसको भी मिला लेंगे तो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये बन गया। तो इसमें अगर हमको हाइट दी होगी फर्स्ट ट्रायंगल में तो इसे H1 लेंगे और इसकी हाइट को क्या लेंगे H2, और इसमें भी एक यहाँ से परपेंडिकुलर आ देंगे जिसे कि H3 लेंगे। और क्या आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो अगर हमें एरिया ए बी सी डी ई निकालना है पूरे का तो हमें क्या निकालना चाहिए? एरिया ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ट्रायंगल 2 प्लस एरिया ट्रायंगल 3। लेकिन इट इज हाफ इनटू बेस, बेस यहाँ क्या है बताइए, AC और into H1, और second का बेस क्या है? AD into H2। तो third का बेस क्या हुआ? Half into AD into H3। तो अगर हमको ये dimensions दी होंगी तो अगर मैं सबको add करूँगा तो first triangle, second triangle और third triangle, और इन तीनों को add कर दिया तो क्या पूरे का area आ गया? Yes sir। ठीक है, अब अगर आपको मान लीजिए यही फिगर इस तरीके से दिया है, एक ऐसा दिया है, ये ऐसे भी दे सकता है कि ए बी सी डी ई, तो हम ए बी को मिला लेंगे और यहां से एक ट्रायंगल निकाला, परपेंडिकुलर डाल दिया। तो परपेंडिकुलर डाल देने पर यहाँ पर तो एक ट्रायंगल हो गया। yes. तो ये वन फिगर है। क्या आपको ट्रेपेजियम पता है? yes. जिसकी दो साइड्स आमने सामने की साइड्स अगर पैरेलल होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। तो हम यहाँ ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला लगाएंगे और थर्ड में ट्रायंगल का लगा देंगे। और ये तो फोर्थ है तो फोर्थ का भी ट्रायंगल से निकला है, तो हम इसको कहेंगे फिफ्थ है, नहीं है एक ट्रायंगल। तो उस ट्रायंगल का देखो, इसे एफ ले लो, इसे जी ले लो, ठीक है। अब जरा देखिए, तो हम लिखेंगे एरिया ट्रायंगल वन प्लस एरिया ट्रेपीजियम
BCGF, BCGF और फिर एरिया ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ट्रायंगल 3 प्लस एरिया ट्रायंगल 4, तो ये किसका एरिया हो गया, बोलिए ए बी सी डी ई, ऐसे हर बार लिखना है। अब जरा देखो, तो ट्रायंगल 1 का एरिया हो गया हाफ इनटू ए एफ इनटू एच वन, इसे एच वन ले लें आप, और फिर आप बताइए एरिया ट्रेपीजियम क्या होता है सर। मान लो जैसे एक हमारे पास ये ट्रेपीजियम है, तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बिटवीन देम, ठीक है, पैरेलल साइड्स और इनटू, अब इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, वही इन दोनों के बीच की हाइट हो गई, या डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। दिव्या, इसी को देखते हुए अगर मुझे इस ट्रेपीजियम पर करना होगा तो मैं क्या करूंगा, हाफ इनटू वो तो पैरेलल नहीं है, अच्छा ये वाला ले रहे हो ना, तो H1 प्लस H2 ही कर दो, H1 प्लस H2 और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है सर, सही है, क्योंकि यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और थर्ड का एरिया सृष्टि बताओ बहुत, हाँ सी जी तो सी जी ही तो एच टू है, बोलो श्रेया, हाफ इंटू इसका एरिया बताइए, निखिल सही है, तो हाफ इंटू जी डी और इंटू एच थ्री, एच टू लिख लो। अच्छा मयंक, मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 बताओ, यहाँ से देख के बताओ, इसको भी कुछ ले लो, आप इसे इसलिए ले लें तो बताइए हाफ इनटू, और इसे बेस ले लें सर, हाफ इनटू हाफ इनटू एडी इनटू एससी, तो इससे इसका एरिया निकल सकता है। आप देखिए नाउ एग्जांपल 1 देखो, कहा गया है कि द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर और द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। तो एक ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड है, तो ऐसा जिसमें वन ऑफ द पैरेलल साइड्स कितनी है 20 मीटर, लेकिन दूसरी नहीं दी गई है, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 15 मीटर हो गई। अब यही फार्मूला तो हमने लिख दिया है, इसी पे जरा लिखें, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना बताइए इसी में, 480 लाइन लिखनी है पहले, तो 480 हो गया एरिया, हाफ ए प्लस बी, 20 प्लस बी इनटू 15, अब चूंकि h पूछा है डिस्टेंस बिटवीन देम तो दैट इज 15, हाफ का 2 उधर चला जाएगा, तो 4 into 2, और जो चूंकि 15 ऊपर है, देखो 15 मल्टीप्लाई में है, तो ये किसमें हो गया डिवाइड में, इधर ध्यान दो, तुम ध्यान नहीं दे रही हो प्रीतिका, नोट करने में ध्यान दे रही हो, तो अब बताइए 15 से इसको डिवाइड किया, 15 वन जा 15, 2 जा 13, 15 3 जा 45, तो 3 आ गया, फिर कितना बचा सर 2, तो 2 आ गया क्योंकि 30 बच रहा है ना, yes, 15 भी जा, तो 32 into 2 64, तो 64 is equals to 20 plus b, अब मुझे बताओ कि b कितना हो जाएगा, 64 minus 20 that is 44,
सो द अदर पैरेलल साइड इज कितना हुआ मानसी? अदर पैरेलल साइड मीटर. सो अदर पैरेलल साइड इज फोर्टी फोर मीटर. नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर टू. कहा जा रहा है क्या एरिया ऑफ रॉम्बस देवव्रत आपको पता है? हाँ बोलो. हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू यानी हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स. क्या जयान आप मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बता सकते हैं? हाँ बोलो. और हाफ होता है कि नहीं? होता है. सो इन सब चीजों को हम देख रहे हैं. नाउ इतना तो आपको पता चल गया. कुछ चीजें और देखें कि ये देखो हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है. ये देखो. अच्छा पैरेललोग्राम में अगर ये डायगनल है तो जो डायगनल है वो क्या उसको दो कॉन्वेंट फिगर में डिवाइड कर देगा? Yes, अच्छा अब ये मुझे बताओ ये ए बी सी डी अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दू और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दू तो क्या दोनों की लेंथ सेम होगी? क्योंकि ये जो पैरेलल लाइन के बीच की तो डिस्टेंस सेम ही होती है. अच्छा अगर DC को मैं B मानूं तो क्या आप इसे भी B मानोगे? Yes, sir. क्या पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं? Yes, sir. अच्छा आप मुझे बताइए एरिया ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ABC ऐसा लिख सकते हैं? ABC और प्लस एरिया ABC. ABC तो मैं इसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले लू क्या? Yes, और इसको क्या ले लू? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अगर मैं बेस इंटू हाइट कॉमन ले लू तो क्या अंदर हाफ प्लस हाफ आ रहा है जो कि वन हो गया. हाफ प्लस हाफ वन क्या होता है? तो बोलो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है. अगर मान लीजिए देवव्रत ए के पैरेललोग्राम है सिर्फ मुझे ये पता है इसकी एक साइड 20 मीटर है और ये 15 मीटर है और कुछ दे ही नहीं रहा है तो क्या आप मुझे एरिया बता देंगे? बताओ सर. हाँ, मतलब क्या एरिया होगा? सर, क्या हो जाए? सर, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा ये बेस और उस पर जो हाइट पड़ी हो तो दैट इज 20 × 15 = 300 मीटर स्क्वायर. समझ में आ गई बात? Yes, तो ये बात हमने देखी है कि पैरेललोग्राम का एरिया. अब हम देखेंगे रॉम्बस. रिया रॉम्बस क्या होता है? सर रॉम्बस इज अ शेप व्हिच टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स. बोलो दिव्यांशी. हमको तो हर चीज पता है. हाँ बोलो. आयुषी. सर रॉम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल हू हैज अ पेयर ऑफ इक्वल साइड्स. बोलो रॉम्बस इज अ पेंटोग्राम ऑफ ऑल साइड्स. सो अ पैरेललोग्राम All sides are equal. It is rhombus. नहीं आप ये तो नहीं समझ रही हो कि रॉम्बस के डायगनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं. बोलो. नहीं समझ रही तो अच्छा समझ रही हो. जैसा कि रिया ने बताया कि रॉम्बस के डायगनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं तो इतनी बात समझ आ गई. रॉम्बस कैसा डायग्राम है जिसके डायगनल से दूसरे को क्या कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए कि यदि ये डायगनल D2 है ये पूरा BD कितना है बताओ? D2
डी टू और ए सी कितना है? डी वन। तो क्या अर्पित तुम मुझे बता सकते हो एओ कितना होगा? सर बोलो एओ सर हाफ ऑफ डी टू, यानी ये कह रही है कि डी वन बाई टू, जब ये डी वन है तो डी वन बाई टू, और फिर सीओ कितना होगा? ये ठीक कह रहे हैं कि डी वन बाई टू, क्योंकि आधा आधा कर दो भाई, इधर भी डी वन बाई टू, पूरा डी वन है कि नहीं, और ये बाइसेक्ट हो रहे हैं तो ये भी हाफ डी वन और ये भी हाफ डी वन, यदि ये पूरा डी टू है तो डीओ कितना हुआ? यानी डी टू बाई टू, और ये कितना हुआ डीओ? भाई जब पूरा डी टू है तो पीओ कितना हुआ? ये बात समझा भाई? अच्छा ये क्या एक राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया? हाइट हो गई। तो अब मुझे अगर एरिया ऑफ रॉम्बस चाहिए तो मुझे चार चीजों को ऐड करना पड़ेगा, जरा देखो तो एरिया ऑफ रॉम्बस इज हाफ एओबी। एरिया एरिया जरूर लिखना, सॉरी एरिया एओबी और एरिया बीओसी और प्लस एरिया सीओडी और प्लस एरिया सीओडी बीओएआईओडी, सही कर रही हो। चलो रयान मुझे आप एओबी का एरिया बता दें। हाफ इंटू बेस, यही बेस है और यही आई तक, क्योंकि 90 डिग्री, एक के 90 होने से सारा 90 हो जा। तो क्या हाफ इंटू बेस को मैं डी टू बाई टू ले लू और हाइट डी वन बाई टू? अच्छा POC के बारे में बताओ। सर हाफ इनटू डी वन बाई टू इनटू डी वन डी टू बाई टू, सही है डी टू बाई टू। और ये थर्ड वाले का जरा बता दो। सर थर्ड का है सर हाफ इनटू डी वन बाई टू और इनटू डी टू बाई टू, सही है। और फोर्थ वाले का भी बता दो। सर हाफ इनटू डी वन बाई टू इनटू डी टू बाई टू, सही है ना? अब इतनी बात समझ आ गई क्या? डी वन डी टू ये तो हो गया, तो हाफ भी कॉमन ले लो और डी वन डी टू भी कॉमन ले लो, और अंदर क्या हो गया बताओ? ठीक है तो वन बाई टू, वन बाई टू तो वन बाई फोर बचा, हाफ ले लिया कॉमन, लेकिन वन बाई फोर तो बचा, देखो ये बचा कि नहीं बचा, और एक और वन बाई फोर बचा और एक और वन बाई फोर बचा और एक और वन बाई फोर बचा, चार वन बाई फोर क्या फोर बाई फोर हो जाते हैं, क्योंकि सब कर लोगे तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन बाई फोर, तो क्या आ जाएगा बताओ? हाफ डी वन डी टू इंटू फोर बाई, तो क्या वो वन हो जाएगा? तो जो देवव्रत बोल रहे थे हाफ इंटू डी वन बाई इंटू डी टू, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डाइग्रल्स, क्या उनकी बात सच निकली? सो वॉट इज द एरिया ऑफ रॉम्बस रिया? वॉट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? What is the area of trapezium? What is the area of trapezium? Sir, half into sum of parallel sides into distance. Between them? Between them. अब हम लोग example number 2 पर आते हैं। तो अर्पित rhombus का area क्या हुआ? भाई आप मुझे बताएं, हम कैसे बताएं? What is the area of parallelogram? Area of rhombus. Area of trapezium. Now, so अब example number 2 देखो। The area of rhombus is 240 centimeter squares. So, देखो area of rhombus is equals to half into d1 into d2. That is 240 centimeter squares. Half into d1
ठीक है, तो इससे इसको कट करो ये आया 40 आ गया, सो d2 = 30 सेंटीमीटर। चलिए नाउ आप देखिए कि एग्जाम्पल नंबर 3 कहा गया है कि हेक्सागन दिया गया है और इस तरीके का हेक्सागन है, और साइड 5 सेंटीमीटर है, ये रेगुलर हेक्सागन है। अगर जिसके सब साइड और सारे एंगल इक्वल हो उसे क्या कहते हैं? रेगुलर हेक्सागन। और रेगुलर हेक्सागन और इसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा जा रहा है एम एन ओ पी क्यू आर। तो अब हमें चाहिए कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो अब जरा देखो इनके बीच की डिस्टेंस भी है वो कितनी है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो वो मान लीजिए किसी ने इसको मिला दिया तो ये तो 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, और ये भी मिला दिया तो ये 8 सेंटीमीटर और ये दोनों 5 5 है। अब इसमें दो बच्चे अपना दिमाग लगा रहे हैं, एक रिद्धिमा लगा रही है और एक अमन लगा रहा है, तो हमें दोनों के मेथड देख लेने चाहिए। सो सबसे पहले अमन का मेथड देखें, उन्होंने कहा कि एम एन क्यू आर, तो किसने ट्रेपेजियम कर दिया, और जबकि रिद्धिमा ने दो अलग अलग ट्रायंगल बना दिया। चलो इसमें कुछ चीजें भी दी हैं, देखो ये डिस्टेंस भी दी है रिद्धिमा के मेथड के लिए, ये 3 सेंटीमीटर दिया है और ये भी 3 सेंटीमीटर। अगर आपको ये रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ करना होगा, तो लेट अस सी फर्स्ट ये रिद्धिमा मेथड, क्योंकि फिगर तो उसी हिसाब से हमने बनाया। तो नाउ एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल एम एन ओ, तो ट्रायंगल एम एन ओ, अब क्या नीचे वाला भी बिल्कुल वही है ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि वही डायमेंशन है, तो 2 times कर दो और बीच में किसका एरिया ले लो, एरिया रेक्टेंगल एम ओ बी आर, तो रेयान एम एन ओ ट्रायंगल का एरिया बताओ, शौर्य ऐसे तो नहीं होता, हाँ क्योंकि बेस इंटू हाइट लेना पड़ेगा ना, आप हेरॉन्स फार्मूला लगा रहे हो, वो तो 9th में है बेटा, बहुत बड़ी बात है ये, देखो लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर सर मुझे 3 sides बताओ तो मैं पहले सेमी पैरामीटर निकाल लूंगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू करके, तब जब ये आ जाएगा तीनों को जोड़ दिया इन्होंने, कितना देखो जानकार है, तो 18/2 कर दिया कि नहीं इन्होंने, और फिर इसके बाद इन्होंने कहा सर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए मैं अब रूट के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करो, कितना आप समझ लीजिए किस लेवल का सोचते हैं, हम लोग नहीं सोच सकते ऐसा, ये हेरॉन्स फार्मूला है जो अभी इन्होंने बताया, बट हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्लास 8th में बैठे हैं, तो बाकी बच्चों के लेवल का भी करो, नहीं तो फिर ये लोग सोचेंगे कि शौर्य के साथ बैठे हैं, तो इसका एरिया क्या बताया जाए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस एम ओ है क्या और हाइट 3 है, और यहाँ पर एरिया एल इंटू बी कर दें क्या, देखो लेंथ
into breadth. अब आप भी इसमें वैल्यू डालो सारी और इंटू टू भी, टू भी करना क्योंकि ऐसे दो ट्रायंगल है ना. चलो करो हाफ इंटू फाइव नहीं बोलेंगे. अगर लेंथ पहले लिखा है तो बड़ी चीज पहले एट इंटू फाइव तो दैट इज इक्वल टू टू से टू कटा 24 प्लस 40 तो कितना हो जाएगा 64. अगर ये सेंटीमीटर है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आया. अब लेट अस सी अमंग्स मेथड. तो अमन ने इसको ट्रेपीजियम और ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया. दो ट्रेपीजियम देखो ऐसे ही कर लिया उसने. तो अगर पूरा 8 है तो बोलो इतना कितना हुआ. क्या ये 4 सेंटीमीटर हुआ क्योंकि पूरा कितना है बताओ. तो ये 4 सेंटीमीटर है वो तो 8 दिया है ना. अच्छा अब ये एम एन ओ पी क्यू आर ये अगर 5 है ये 5 सेंटीमीटर है. अच्छा तो मुझे बताओ कि ये 5 सेंटीमीटर हो गया तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स करना पड़ेगा. तो क्या सम ऑफ पैरेलल साइड्स दिया है हमको अमंग्स मेथड एम क्यू दैट इज 11. ये दिया है. देखो पहले फिगर में देखो 11 दिया है कि नहीं. पहला फिगर देखिए 11 और ये 5 सेंटीमीटर. तो बताइए एरिया ऑफ हेक्सागन को क्या करें. एक ट्रेपीजियम ले लो उसका डबल कर दो. तो एरिया और इंटू टू तो हाफ इंटू एम आर प्लस एम क्यू और उनके बीच की डिस्टेंस ले लो जो कि 4 है और उसका क्या डबल कर दे. सही है. सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम तो इट इज इक्वल्स टू हाफ हाफ का 2 कट गया. अब एम आर का सम क्यू करो 5 प्लस इनटू 4 5 प्लस 11 क्या होता है 16 इनटू 4 दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम लोग 3 सवाल करेंगे. दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. तो ट्रेपीजियम का एरिया है इज 480 मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स is 15 meter. If one of the parallel side is 20 meter, one of the parallel side is 20 meter, find other parallel side. Second, that is the area of rhombuses. Area of rhombus is 240 centimeter square. Yeah, and one of diagonal is 60 centimeter. If one of the is 16 centimeter, find the other diagonal. क्या मयंक रॉम्बस के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं. बहुत अच्छा देखो कितना अच्छा बताया. तो दूसरा करें में निकालने की जरूरत नहीं. एक 16 तो दूसरा भी 16. सो फाइंड ठीक है. या फिर इन्होंने मन में ये डायग्राम ले लिया होगा और ये बोला होगा देखो ये छोटा थोड़ी ना है और ये लंबा थोड़ी ना है ऐसा मन में सोचा होगा ना.
ये इमेजिनेशन कहलाती है। अब देखो थर्ड डायग्राम, दैट इज इसमें दिया गया है एम एन ओ पी क्यू आर और इनके बीच की डिस्टेंस दे दी गई है 8 सेंटीमीटर और जबकि ये डिस्टेंस कितनी दी है 11 सेंटीमीटर। अच्छा इतना ही दिया है और बाकी ये 5 सेंटीमीटर है। अच्छा ये 11 है और ये देख लो तो ये 5 है तो बाकी कितना बचा 11 में से 5 बताओ तो 6 में जब उसने रिद्धिमा ने इसको मिला दिया था तो क्या उसने 6 का आधा कर लिया था? Yes, क्योंकि 6 का आधा 3 इधर क्या वो 3 दिया नहीं है वो तुम्हें सोचना है। जैसे 11 है और ये कितना है बोलो 5 तो 11 माइनस 5 करो जरा और 6 में से 3 इधर दे दो 3 है तो 3 प्लस 3 6 और प्लस 5 हो गया नहीं ना। तो चाहे तुम अमन का मेथड इस्तेमाल करो चाहे एक मेथड करना कोई नहीं। अब यही थ्री क्वेश्चन करें फाइंड एरिया ऑफ हेक्सागन। कल से नहीं आएंगे आपने बता दिया आज ही।